नवापूर नगर परिषद हद्दीतील मेमन गल्ली येथील रहिवाशांनी निवेदन सादर केले. सदर निवेदनात असे म्हटले आहे की परिसरात नगर परिषदेची सांडपाण्याची 6 इंचीची गटार असूनही ती कायम बंद आहे व त्यातून बाहेर पाणी निघते व या परिसरात दुर्गंधी पसरते व आता पावसाळ्याचे दिवस असल्याने परिसरात आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याबाबत मेमन गल्लीतील रहिवासी मागील 5 वर्षापासून नगरपालिकेकडे विनंती करीत आहेत व आम्ही केलेल्या तक्रारी अर्जाची आपल्या कार्यालयातील दप्तरी नोंद देखील आहे, परंतु आज पावेतो काहीही कार्यवाही झालेली नाही व या ठिकाणी असलेली पाईपलाईनची साईज देखील कमी आहे. तरी याबाबत आम्ही आमच्या प्रभागातील नगरसेवक यांना देखील वारंवार विनंती केली, परंतु त्यांनी देखील याकडे लक्ष दिलेले नाही. तरी आपणास विनंती की कृपया आम्हा रहिवासी नागरिकांच्या समस्येचा आपण सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आमच्या परिसरात नवीन मोठ्या आकाराची नवीन गटार लाईन करून दिल्यास भविष्यात कोणासही त्रास होणार नाही. तरी कृपया याबाबत योग्य ती कार्यवाही तात्काळ करून मिळावी ही विनंती करीत आहोत. अन्यथा आम्हाला न्याय मिळण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी सौ नंदुरबार यांचे कार्यालयात तक्रार नोंदवावी लागेल. याची कृपया नोंद घेऊन कार्यवाही करावी ही विनंती अशा प्रकारचे निवेदन नगरपालिकेला सादर केले आहे. सदर निवेदन देताना असद कुरेशी, जुनेद शेख, खलील मेहमद, इम्रान पठाण, मकसूद होरा, हारून लाखाणी, खलील शेख, तोसिफ शेख, अब्दुल रहीम शेख, आरिफ सुलेमान बदुडा, विजय बागुल, अमजद दाऊद कुरेशी, अमीन दाऊद कुरेशी सह महिला पुरुष यांच्या सह्या आहेत. या प्रसंगी माजी नगर अध्यक्ष दामो बिराडे, मयूर सिंधी आदी उपस्थित होते. धन्यवाद करते जो हमारी हर समस्याओं को प्रशासन तक के पहुँचाते हैं, हम उनका शुक्रगुजार है और शुक्रिया अदा करते हैं. आज हम जो है अभी नगर पालिका में मुख्य अधिकारी साहब को एक निवेदन दिया है जिसको लेकर मेमन गली के अंदर पिछले 5 सालों से जो हमारी समस्या है वे गटर की लाइन, जो आज से 30-35 साल पहले ये गटर की लाइन डाली गई थी, जो हमेशा हर महीने के अंदर ये गटर की लाइन भर जाती है जिसके कारण रोड के ऊपर पानी आता है और वो पानी ऐसा बहता है जिसकी वजह से भाई यहाँ पे जाने आने वालों को तकलीफ होती है और यहाँ के बच्चे हमेशा उस पानी की वजह से बीमार रहते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे मच्छर और दास वगैरह होती है. हमने बार बार सरकारी मुख्याधिकारी को और नगर पालिका को और उसके कर्मचारी को हमने निवेदन दिया और हमारे पास उसकी ओसी भी है और वहाँ के जो साफ़ सफाई कर्मचारी है उनको भी हमने बार बार इसकी ताकीद की कि भाई हमारी गली का ये प्रॉब्लम, ये समस्या आप कब रिपेयर करेंगे. और हमने अभी मुख्याधिकारी साहब को ये कहा है कि भाई आप आपके कर्मचारी को बुलाकर आपके रजिस्टर में देख सकते हैं कि भाई हमारी मेमन गली की भाई कितने लोगों ने यहाँ से कंप्लेंट बार बार किया है, उसमें जहीर भाई है, आसद भाई है, इमरान भाई है, रहीम भाई है, ये सारे लोगों ने बार बार वहाँ जाके एक ही कंप्लेंट की है कि सर ये हमारी जो गटर लाइन है कि भाई मुश्ताक भाई के घर से लेकर विजू भाई ताई के घर तक और दूसरी जो एक लाइन है हमारी वो यासीन भरूची से लेकर यूसुफ भाई भाड़ के घर तक के और तीसरी एक लाइन है जो जूनी नेशनल बेकरी से लेकर हादी लतीफ़ भाई कुरुशी के घर तक के, ये सारी लाइन हमेशा की हमेशा ये बंद हो जाती है. और आज जो हमने निवेदन दिया है इसी को लेकर दिया है कि सर हमारी जो गटर लाइन जूनी है उसको नई कर दिया जाए. और अगर हमने ये भी कहा है कि भाई आप अगर हमारी इस लाइन को नहीं करते हैं या पूरा नहीं करते तो हमको संविधान ने दूसरा दिया है कि भाई हम संविधान के मार्ग पर आगे की लड़ाई लड़ेंगे और इस आंदोलन को हम आगे और तेज करेंगे. हमने सर से हमको ये उम्मीद है और सर ने हमको ये भी कहा है कि हम पिछले 1 या 2 महीने में आचार संहिता ख़त्म होने के बाद हमारे कर्मचारी को भेज कर उसका सर्वे करवा कर और ये काम को हम पूरा करेंगे. इसी हमको उम्मीद है कि सर ये हमारे काम को जल्द से जल्द पूरा करें. लेडीज़ और जेंट्स यंग लड़के दोस्त लोग हम गए थे और निवेदन दिए साहब को क्या हमारी गली में गटर की प्रॉब्लम है और साफ सफाई की प्रॉब्लम है और घंटा गाड़ी जो है कम आती है, रोज़ आ जाना चाहिए और साफ सफाई वाले कभी कभी आते हैं तो रोज़ साफ सफाई होना चाहिए साहब. और 25-30 साल से जो लाइट है पीली लाइट है मेमन गली में वो निकाल के सभी लाइट डाल दो, इतना सब हमारी मांग है. ओके.